भाजपा के बाद अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम ने आगामी 2 सितंबर को प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगी। जनता बनाती है, जनता तय करती है और जनता तय कर चुकी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधिवत जो होगा राष्ट्रीय अधिवेशन 2-3 तारीख मंडला पे है, उस दिन राष्ट्रीय अधिवेशन पे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। यहाँ पे आदिवासियों को कितना समर्थन मिल रहा है? पूरे प्रदेश में जल जंगल जमीन की समस्या है। बीजेपी कांग्रेस के द्वारा आज आदिवासियों को जो अनदेखा किया गया है उनके हक अधिकार का, इसलिए जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए पूरे आदिवासी समाज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी साथ खड़ी हुई है।